चाकुलिया विधानसभा के जमीरा करबला मैदान में जमीरा डायमंड क्लब की अगुवाई में आयोजित महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला गया। महिला फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें संघर्ष करते हुए अजीमा स्पोर्ट एकेडमी बड़ागांव महिला फुटबॉल टीम व आमबारी श्रीपुर महिला फुटबॉल टीम ने फाइनल में अपनी जगह पक्की की। दोनों टीमों के बीच 40 मिनट का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें अजीमा स्पोर्ट एकेडमी बड़ागांव महिला फुटबॉल टीम ने 3-0 से इस मुकाबले को जीतकर टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। मैच में बड़ागांव की टीम शुरू से ही मैच में अपनी पकड़ बनाए रखी। बड़ागांव के लिए पहले हाफ के 5वें मिनट में पहला गोल अग्नेश मार्डी ने किया, तो वहीं 15वें मिनट में रचना मोदी ने दूसरा गोल दागकर आमबाड़ी पर 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे हाफ में आमबाड़ी की टीम ने मैच में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। दूसरे हाफ के 17वें मिनट में बड़ागांव टीम की अनीता किस्को ने तीसरा गोल कर आमबाड़ी को बैकफुट पर ला दिया, और इस तरह अजीमा स्पोर्ट एकेडमी बड़ागांव महिला फुटबॉल टीम 3-0 से फाइनल मुकाबला जीतकर टूर्नामेंट की चैंपियन बनी। अजीमा स्पोर्ट एकेडमी बड़ागांव महिला फुटबॉल टीम को 5,000 नगद व एक बड़ा कप पुरस्कार दिया गया, तो वहीं रनर टीम आमबाड़ी को 3,000 नगद व एक बड़ा कप देकर सम्मानित किया गया। फाइनल मैच में उपस्थित थे 12 नंबर जिला परिषद प्रतिनिधि रिजवान अहमद, पंचायत समिति सदस्य फिरोज आलम, अनवारुल हक सहित अन्य सदस्य गण। सबसे पहले सजीद भाई, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और जितने भी हमारे क्षेत्र के जनता है सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। सबसे ज्यादा धन्यवाद आपको देना चाहेंगे कि आप इस तरह से कवरेज करते हो, चाहे किसी तरह का भी न्यूज हो, लोकल न्यूज हो, आप फुटबॉल खेल जगत से हो या फिर कोई पॉलिटिकल इशू हो या फिर कोई साथी राजनीति, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आज जमीरा डायमंड क्लब की तरफ से ये मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें मुझे इन्विटेशन के रूप में चीफ गेस्ट बुलाया गया है। हम आए, बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे देखने को मिला दो टीम, लेडीज टीम, महिलाएं टीम, जो कि मैदान पे उतरे हुए थे। दोनों ने बहुत अच्छा संघर्ष किया, खेला और बनाई है। इसमें से पूरा गांव का टीम था, आमबाड़ी का टीम था, दोनों में अच्छा खासा संघर्ष होने के बाद बड़ागांव की टीम 3-0 से जीत हासिल किया। खैर, आमबाड़ी का टीम अच्छा खेला है और धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के क्लब मेंबर्स को, डायमंड क्लब मेंबर्स को, जमीरा के डायमंड क्लब मेंबर्स को, जो हर साल इस तरह का गेम्स को आयोजित करते हैं। और धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के DLC मेंबर हमारे फिरोज भाई साहब को, यहाँ के मेंबर नजरुल साहब को, जो फुल्ली सपोर्ट किए हैं यहाँ के डायमंड क्लब को, लोग आगे बढ़े और खेल को और ऊंचा स्तर पर ले जाए, यही शुभकामना और यही कामनाएं करते हैं लोग से। খুব ভালো লাগছে আমরা আরো ভালো অনেক খেলছি। 3-0 গোলে আমরা জয়যুক্ত হয়েছি, দর্শকদের উৎসাহিত আমরা অনেক এগিয়ে গেছি। আর যারা আমাদের সঙ্গে অন্য দল ছিল, আমবাড়ির টিম, ওরাও অনেক সুন্দর খেলেছে, কারণ ওরাও অনেক চেষ্টা করেছিল গোল দেওয়ার জন্য, কারণ ওরা 3-0 গোলে পিছিয়ে গেছে। আর ওরাও খেলা দেখানোর অনেকই সুন্দর চেষ্টা করেছে, আরো আমরা খেলেছে, হ্যাঁ আমাদের খুব ভালো লেগেছে।